Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. भारत ने हाल ही में एक सफल चंद्रयान मिशन के तहत चांद पर तिरंगा लहराया और इतिहास रच दिया। भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का सिर्फ चौथा देश बना, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश है भारत। हर खुशी इस बार डबल हो गई है, भारत को चांद पर पहुंचा दिया। चंद्रयान वहां पहुंचा जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया था। दुनिया में रूस और भारत ही ऐसे दो देश हैं जिन्होंने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने का प्रयास किया। रूस ने अपना लैंडर 10 अगस्त को 1600 करोड़ की लागत से लॉन्च किया था, लेकिन वो 20 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग में असफल रहा और क्रैश हो गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने इस मिशन को 3 गुना कम खर्चे यानी कि मात्र 600 करोड़ में पूरा किया 23 अगस्त को, और साउथ पोल पर एक सफल लैंडिंग के साथ अंतरिक्ष में केवल तीसरी बार में वो मुकाम हासिल कर दिखाया, जिसके लिए अमेरिका को 13 बार और सोवियत यूनियन को 6 बार असफलता का सामना करना पड़ा था। चंद्रयान 3 की सफलता को देखकर पूरी दुनिया ने माना इसरो का लोहा। इलॉन मस्क से लेकर नासा ने की भारत की सराहना। इस अभ्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मेक इन इंडिया के प्रति प्रतिबद्धता ने आयात पर निर्भरता कम कर दी और स्थानीय उद्योग की भागीदारी को प्रोत्साहित किया, जिससे लागत में काफी कटौती हुई। चंद्रयान 3 भारत की आत्मनिर्भरता की ओर एक बहुत बड़ा भागीदार साबित हुआ है, क्योंकि HAL, BHEL, श्री वेंकटेश्वर एरोस्पेस, अनंत टेक्नोलॉजीज, गोदरेज एरोस्पेस जैसी कई भारतीय कंपनियों ने चंद्रयान 3 बनाने में अपना योगदान दिया है। सिर्फ यही नहीं, इस मिशन के सफल होने के बाद 13 भारतीय स्पेस की कंपनियों के शेयरों में तेजी आई और मार्केट वैल्यू में $2.5 बिलियन से अधिक का इजाफा हुआ। चंद्रयान मिशन की शुरुआत हुई 2003 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी ही देश के PM थे। 2008 में चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया। ये मिशन काफी सफल रहा और अपने कम से कम 95% उद्देश्य को पूरा किया। 2009 में तय किया गया कि चंद्रयान 2 को 2012 के अंत में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन 2013 में कांग्रेस ने मिशन के लिए फंड ही जारी नहीं किया। 2014 में जब देश की सरकार बदली, तब स्पेस विभाग की तकदीर भी बदल गई। सरकार बनते ही PM मोदी ने इसरो के लिए 6000 करोड़ का बजट अलॉट कर दिया। 2015 में PM मोदी ने चंद्रयान प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक निर्णय लेते हुए देश के अंदर ही जरूरी तकनीकी सुविधाएं दी, और मात्र 4 साल के अंदर 2019 में दूसरा चंद्रयान चांद पर भेज दिया गया। PM मोदी चंद्रयान 2 की लॉन्च के बाद से ही इस मिशन को ट्रैक कर रहे थे। वो खास बेंगलुरु गए थे इस ऐतिहासिक लॉन्च के लिए। जब चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में ये मिशन असफल रहा, उस समय PM मोदी इसरो के सेंटर में ही मौजूद थे। उन्होंने तुरंत के सिवान को रोता देख उन्हें कस के गले से लगा लिया, और सिर्फ उन्हें ही नहीं, सभी वैज्ञानिकों को हौसला दिया। आप लोग मक्खन पे लकीर करने वाले नहीं, पत्थर पे लकीर करने वाले लोग। चंद्रयान 3 को कैसे बनाया सफल? चंद्रयान 2 के बाद एक तरफ जहां PM मोदी ने वैज्ञानिकों का हौसला टूटने नहीं दिया, तो अवर साइंटिस्ट I want to say, India is with you. वहीं दूसरी तरफ उन्हें चंद्रयान 3 के लिए प्रोत्साहित किया, और दिसंबर 2019 तक सरकार ने इसरो के लिए 666 करोड़ का बजट अलॉट कर दिया। 2014 तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बजट 5400 करोड़ था, जो कि वेतन और प्रयोगशालाओं के रखरखाव में ही खर्च हो जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने इस बजट को 3 गुना बढ़ाया और 2022 तक ये बजट 14,217 करोड़ हो गया। केवल स्पेस क्षेत्र का बजट ही 10 सालों में 123% की बढ़ोतरी के साथ 5,115 करोड़ से 12,543 करोड़ हो गया है। ये वो कदम थे जिसने अधूरे मिशन को पूरा करने का संकल्प लिया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत ने एक सफल चंद्रयान मिशन को पूरा किया। इसरो की सफलता के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट को शिव शक्ति नाम दिया और चंद्रयान 2 के लैंडिंग पॉइंट को तिरंगा।
पीएम मोदी इस उपलब्धि से इतने उत्सुक थे कि 26 अगस्त को अपने अंतर्राष्ट्रीय दौरे से लौटते ही सीधे सुबह 7:30 बजे इसरो के वैज्ञानिकों से मिले, उन्हें गले लगाकर गौरव व्यक्त किया। ये कोई पहला मौका नहीं, पीएम मोदी हमेशा से ही इसरो या तमाम स्पेस मिशन में रुचि रखते आए हैं, जब से वो गुजरात के सीएम थे। ये सफलता प्रगति, आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व, इसके साथ ही उभरते नए भारत का भी प्रतीक है।